दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और रिलीज मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है आखिरी प्रतिज्ञा। दोस्तों इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती, रेबली, जूही पटेल, जय गौड़, मोहन जोशी, जॉनी लीवर, शिवा रिंधानी, प्रमोद माउथो, राजू श्रीवास्तव, पुनीत इस्सर, रजाक खान और इशरत अली जी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया था TLB प्रसाद जी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था सुनीता गौड़ जी ने। तो दोस्तों ये बात है साल 1998 की, जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था। तो दोस्तों अब बात करें इस मूवी से जुड़े बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट की, तो आखिरी प्रतिज्ञा एक फुल एक्शन मूवी होने वाली थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जी की ज़्यादातर फिल्में एक्शन मसाला ही रही हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इनकी फिल्मों की ओर खींचे चले आते हैं। और इस मूवी में भी हमें मिथुन चक्रवर्ती जी की अन्य दूसरी फिल्मों की तरह ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला था। अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती जी की, तो इस मूवी में भी ज़बरदस्त भूमिका में दिखाई देने वाले थे, क्योंकि ऑडियंस को भी इसी तरह के रोल सबसे ज़्यादा पसंद आते थे। और ये मूवी भी एक ज़बरदस्त साबित होने वाली थी, मगर ये मूवी भी मिथुन चक्रवर्ती जी की अन्य दूसरी रिलीज फिल्मों की तरह ये भी बदकिस्मती का शिकार हुई और केवल अनाउंसमेंट के बाद किसी अनाउंस रीजन की वजह से ये मूवी शूटिंग लेवल तक पहुँच ही नहीं पाई और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और दोबारा कभी इस मूवी के बारे में जिक्र भी नहीं किया गया। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती जी की अगर ये आखिरी प्रतिज्ञा मूवी उस टाइम पर कंप्लीट होकर रिलीज होकर आ जाती तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।